सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जो बायोलॉजी का हमारा क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्रम में हम बात करने वाले हैं कि जो जीवन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और कल एक इंट्रोडक्टरी स्टार्ट किया था हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में जो हम कुछ पॉइंट्स लेने वाले हैं, सबसे पहले वो पॉइंट किससे रिलेटेड है, वो पॉइंट रिलेटेड है हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित बहुत अलग अलग तरीके के सिद्धांत हैं, बहुत अलग अलग तरीके की थ्योरीज हैं जिनके सपोर्टर भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब एक थ्योरी आती है, जब तक उसको किसी तरीके से डिनाई ना कर दिया जाए विद एक्सपेरिमेंट एंड विद प्रूफ, तब तक वो एक्सेप्टेंसी उसकी बनी रहती है। तो यहां पर जो हम सबसे पहले जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं वो थ्योरी है हमारी कॉस्मोजोन। कॉस्मोजोन थ्योरी क्या कहती है? देखिए, कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, कॉस्मोजोन का मतलब ये हुआ जो ब्रह्मांडीय कारक हैं या कुछ ऐसे कारक कहें जो बाहरी जो भी स्थलीय उत्पत्ति है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि बाहरी स्थलीय उत्पत्ति जिनको कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि जीवन की उत्पत्ति का जो शब्द हुई है वो कहां से हुई है, वो ब्रह्मांड से हुई है, यानी कि उत्पत्ति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रह्मांड रिस्पॉन्सिबल है। रीजन उसका क्या है कि उन्होंने कहा कि एक स्पोर के नाम से एक यूनिट है। ठीक है, किस नाम से? स्पोर। जो स्पोर नाम से एक यूनिट है, ये यूनिट ही जीवन के ओरिजिन के लिए यानी कि लाइफ ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहीं से क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। ग्रीक साइंटिस्ट ऐसा मानते थे, ग्रीक वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि स्पोर जो ये यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स क्या हुई, ट्रांसफर हुई। कहां पर ट्रांसफर हुई? ये यूनिट अर्थ के साथ साथ अन्य ग्रहों की ओर भी ट्रांसफर हुई और जब ये अन्य ग्रहों की ओर ट्रांसफर हुई तो यहीं से क्या आया, एक सिद्धांत आया ओरिजिन से रिलेटेड जिसको कहा गया कॉस्मोजोन थ्योरी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर ये कहें कि जीवन की उत्पत्ति की अगर पूरी प्रोसेस को कहा जाए तो उस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए किसी के पास कोई वर्ड नहीं है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, ये सिर्फ एक चीज क्या हुई, एक तरीके का ऐसी थ्योरी हुई जो ये बताती है कि जब हमारे पास कोई चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो हम क्या करने लगते हैं, उसे सोचते हैं ट्रांसफर कर दें, किसी और पर टाल दें या उसको किसी तरीके से अपने से हटा दें और उसे प्रूव कर दें। ठीक है, मतलब अपनी उपस्थिति भी ना रहे और वो चीज यहां पर प्रूव हो जाए। तो यही चीज यहां पर इस कॉस्मोजोन थ्योरी के साथ हो रही थी, क्योंकि एक चीज सोचने वाली ये है कि कोई जैसे कॉस्मोजोन के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया है किसी तरीके की डिटेलिंग नहीं है, बस क्या बताता है जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई है, एक आउटर स्पेस है जहां से जीवन आया हो सकता है, वहां भी यही बात कही है। ठीक है, वहां क्या कहा कि जिससे क्या हो सकता है, जीवन आया हुआ हो सकता है और जीवन की जो ओरिजिन है इससे रिलेटेड इसका कोई स्पेशल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई स्पेशल इसकी थ्योरी नहीं है, बस जीवन बाहर से आया हुआ है और ये एक ऐसा थॉट मान लीजिए जो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? आउटर स्पेस में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि ब्रह्मांड में कह दिया गया कि जब हमें किसी चीज को कुछ मिल नहीं रहा तो हम क्या कह रहे थे, ब्रह्मांड से ऐसी चीज आई है। तो ये चीज, ये थॉट उसी तरीके का एक थॉट हुआ। तो इसी तरीके के सिद्धांत को नाम दिया गया और उसको नाम दिया गया पैनस्पर्मिया। ठीक है, पैनस्पर्मिया क्या है? पैनस्पर्मिया है कि जो जीवन की उत्पत्ति यानी कि लाइफ ओरिजिन से रिलेटेड एक थ्योरी है जो ये कहती है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो आउटर स्पेस से हुआ है, तो उस थ्योरी को क्या कहा गया, पैनस्पर्मिया, उस थ्योरी को नाम दिया गया। बहुत से साइंटिस्ट हैं जो इस पैनस्पर्मिया में बिलीव भी करते हैं और कहते हैं कि जो पैनस्पर्मिया थ्योरी है या कॉस्मोजोन थ्योरी है, ये थ्योरी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि किसी भी तरीके का इसमें गड़बड़ की कोई अपेक्षाएं नहीं है। लेकिन अगर इस थ्योरी को हम मान लें, कुछ बड़े प्रैक्टिकल से क्वेश्चन हैं। बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज बाहर से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, घर्षण होता है। ठीक है, तो
उस घर्षण की वजह से उसमें आग लगती है, यानी कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, जल जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ होगा कि बाहर से कोई यूनिट आई, पृथ्वी पर आई और बिना किसी घर्षण को सहन किए वो पृथ्वी तक पहुंच भी जाती है और एक नई लाइफ को यहाँ पर उत्पन्न भी करती है, यानी कि उस नई लाइफ को यहाँ पर वो बनाती भी है। तो ये कुछ ऐसे तर्क हैं जो इस थ्योरी के अगेंस्ट जाते हैं। दूसरा यहाँ पर हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें हिंदी में जिसे बोलते हैं स्वतः जनन, यानी कि स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। देखिए स्पॉन्टेनियस जेनरेशन क्या है, जो चीन और बेबीलोन या मिस्र के जो साइंटिस्ट की बात कहें या कुछ ऐसे विचारक थे जो ये कहते थे कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुई है और इस चीज को वो मानते भी थे और बाय फोर्सली उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करते थे कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है अपने आप हुई है, जीवन को अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी या किसी अन्य जीव की जरूरत नहीं पड़ी जिससे कि वो जीव बनाओ। ठीक है, अब ये तो है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है। अगर हम कहें जीव से ही जीव की शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं से वो पहला जीव भी उत्पन्न हुआ, कहीं ना कहीं से वो पहला जीव भी आया। तो यहाँ पर ये जो स्वतः जननवाद का सिद्धांत दिया गया, यानी कि स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी जो दी गई, जिसे यहाँ पर अजीवात जीवोत्पत्ति करके भी कहा जाता है, जो हिंदी नाम है। और बल्कि एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस थ्योरी के बारे में, जो फादर ऑफ बायोलॉजी है यानी कि एरिस्टोटल खुद इस थ्योरी के समर्थक थे, वो मानते थे इस थ्योरी को, वो सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि ये वाली थ्योरी जो लाइफ ओरिजिन से रिलेटेड है वही करेक्ट थ्योरी है और सही थ्योरी है। ठीक है, तो एरिस्टोटल भी इसी थ्योरी का क्या करते थे, समर्थन करते थे। अब जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी क्या कहती है, ये स्पॉन्टेनियस जेनरेशन थ्योरी ये कहती है कि जैसे सनलाइट है, सड़ा हुआ मांस है, स्ट्रॉज है, या फिर कीचड़ कह दें, जैसे रुका हुआ पानी कह दें, तो इनसे ही क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो वॉन हेलमोंट थे, वॉन हेलमोंट ने क्या काम किया, उन्होंने इसी को सपोर्ट करने के लिए बात है, उन्होंने क्या काम किया, शर्ट थी, पसीने से भीगी हुई शर्ट थी, कुछ भीगे हुए गेहूं के दाने थे और उन्होंने उसको अलमारी में रख दिया। ठीक, अब जब अलमारी में रखा तो वो रखा हुआ सामान बहुत दिनों तक रखा रहा, मतलब उन्होंने शर्ट ऐसी रखी रही जो पसीने में भीगी हुई थी और जो भीगे हुए गेहूं थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वहां पर चूहों की उत्पत्ति हो गई है, यानी कि चूहे आ गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, जो जीवन की उत्पत्ति है वो अपने आप ही, और उन्होंने ये प्रूफ करके दिखा दिया वहां जो चूहे बने, जो वहां पर चूहे उस अलमारी में पाए गए, वो अपने आप उत्पन्न हुए उस पसीने के से भीगी हुई शर्ट की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पसीना है वो क्या करता है, एक एक्टिव फैक्टर की तरह, ये एक्टिव प्रिंसिपल की तरह यहाँ पर काम करता है। तो वॉन हेलमोंट ने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगले जैसे यहाँ पर क्या हुआ, फिर बाद में मतलब जब कोई थ्योरी आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ क्या होने लगता है, एक हाइपोथेसिस बनने लगती है, कभी कई बार बहुत सारा इमेजिनेशन बनने लगता है, हम थ्योरी को लेकर अलग अलग तरीके की कल्पनाएं करनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कुछ अलग अलग तरीके की कल्पनाएं आ गई, लेकिन इन सारी कल्पनाओं को अगर हम इकट्ठा कर लें तो इन सभी आंसर्स का वैज्ञानिकों के पास कोई प्रूव नहीं था जिससे कि वो इस चीज को प्रूव कर पाए। ठीक है, अब बात आती है और आगे, यानी कि बायोजेनेसिस की बात करें हम, यानी कि जीवात जीवोत्पत्ति की बात करें। इसमें क्या नाम है, फ्रांसिस्को रेडी का नाम है जो प्रमुखता से लिया जाता है, जो बहुत, जब भी हम इस थ्योरी की बात करते हैं ओरिजिन से रिलेटेड, तो फ्रांसिस्को रेडी का नाम सबसे पहले आता है। कैसे आता, उन्होंने अपने प्रयोग से एक सिद्ध करने की कोशिश की। प्रयोग क्या था उनका, उन्होंने क्या किए थे, कुछ बॉक्सेस लिए थे, इस तरीके के जार लिए थे, मैं छोटा छोटा सा ही मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके के उन्होंने क्या किए, तीन जार लिए। इन तीन जारों को इन्होंने क्या किया, एक जो पहले नंबर का जार था, इस जार को ओपन रखा और इसके अंदर ये मांस का टुकड़ा रखा। ठीक है, दूसरा जो जार था, इस जार को इन्होंने मलमल से कवर कर दिया और अंदर मांस का टुकड़ा था ही। तीसरा
दूसरा जो जार था ये पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया और इसके अंदर भी क्या था, मांस का टुकड़ा। उन्होंने काफी समय तक ये ऐसे ही रखे रखा क्योंकि उन्हें तो क्या देना था, जीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। अब जब रेड्डी ने प्रयोग किया, उन्होंने कहा कि जब कुछ समय के बाद जो जार खुला हुआ था, इस जार के अंदर क्या हुए, कुछ जीव दिखाई दिए, माइक्रोब्स दिखाई दिए। इस जार के अंदर जो दिखाए वो कम संख्या में थे क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ छोटे छोटे से जो जीव थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, हो सकता है मलमल के कपड़े के छिद्रों के बीच में से निकल गए। तीसरा था पार्चमेंट पेपर से कवर्ड, वहां पर कोई संभावना नहीं थी कि डस्ट पार्टिकल या किसी तरीके का जो भी जीव है वो उसके अंदर प्रवेश कर सके। तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो जीव है वो अपने आप उत्पन्न नहीं हुए। यहां पर क्या हुआ, जो भी मक्खियां थी या अन्य कीड़े थे इसे आते थे, खाते थे और उनके वजह से यहां पर किसी तरीके के सूक्ष्म जीव साथ में आते थे और जीवों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, माइक्रोब्स की यहां पर उत्पत्ति हो गई। यहां पर क्या हुआ, जैसे इस मांस की जो महक आती थी उस महक की वजह से जो भी कीड़े जैसे मक्खी वगैरह इस पर अट्रैक्ट होते थे, लेकिन उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता था कि अब अंदर तो बड़े वाले वो कीट पतंगे आ नहीं सकते थे, लेकिन उनके जो विंग्स हैं या उनके जो लेग्स हैं उन पर कुछ माइक्रोब्स रहते होंगे जो अंदर चले गए, तो यहां पर माइक्रोब्स मिले तो लेकिन कम संख्या में मिले। ठीक है, अब अगली बात आती है, ये कोई संभावना नहीं थी कि अंदर पार्चमेंट पेपर लगाया गया था तो कोई संभावना नहीं थी कि यहां पर किसी तरीके के जो जीव है वो मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रयोग था जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि अगर जीव अपने आप ही उत्पन्न होते हैं तो यहां पर क्यों उत्पन्न नहीं हुए, जबकि तीनों को सेम कंडीशन में रखा गया था, बस उनके जो कवरिंग थी उसको तीन तरीके से किया गया था जो कि प्रयोग देखना था। अब इसमें ज्यादा क्योंकि ओपन है, तो ये एक सिद्धांत यहां पर फ्रांसिस्को रेड्डी का है जो उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब इसी के बाद दूसरा नाम आता है लाज़ारो स्पेलेंजेनी का। इन्होंने ये बताया कि चाहे जंतु हैं, चाहे पौधे हैं या कोई भी पदार्थ है, मतलब किसी अन्य प्रिमिटिव एनिमल के यहां पर किसी भी तरीके का लाइफ का ओरिजिन नहीं हो सकता। ठीक है, आप उनके प्रयोगों से सभी जो भी थे माने नहीं, उन्होंने क्या काम किया कि बात आती है फिर लुई पाश्चर की, 1860 की बात है, लुई पाश्चर ने क्या किया, इस बात को प्रयोग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जीव जीव से ही उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होगा, उन्होंने एक फ्लास्क लिया। ठीक है, अब फ्लास्क को उन्होंने क्या किया, एस शेप में मोड़ा हुआ बनाया, इस तरीके से उनका फ्लास्क था। ठीक, प्रयोग किया जब उन्होंने तो इस तरीके से रखा। यहां पर क्या आया कि जब एक तो फ्लास्क जो ये ओपनिंग थी, यहां पर उन्होंने एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक लिक्विड भरा जो खाद्य पदार्थ का लिक्विड था। ठीक है, वो पदार्थ यहां पर भर दिया। ठीक, फिर इसको थोड़े उसके लिए हीट भी कर दिया क्योंकि ये कहा गया कि जब हीट किया जाता है तो माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और वो वहां पर नष्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने उसको हीट भी किया ताकि इसके अंदर जो भी माइक्रोब्स रहे होंगे वो मर गए होंगे। फिर यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इसको माउथ को रुई से कवर कर दिया। ठीक है, एक तो उनका ये था, दूसरा उनका क्या था कि उन्होंने दूसरा फ्लास्क लिया, सेम प्रोसीजर उसके साथ किया, लेकिन उसका जो नेक था वो नेक एस शेप नहीं रखा और उसको ओपन रखा, उसको किसी तरीके की कवरिंग नहीं। ठीक है, अब इन्होंने क्या काम किया, थोड़े समय जब इसको रखा, महीनों इसको ऐसे ही रखा गया, यहां पर जब ये गर्म किया, गर्म करने के बाद ये कंडेंस हो गया, कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होने के बाद यहां पर क्या हो गई, वेपर इकट्ठी हो गई। वेपर क्या कर रही थी, फिल्टर का काम कर रही थी। उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि ये जो ओपन फ्लास्क था यहां पर तो जीव दिखाई दिए, माइक्रोब्स दिखाई दिए, लेकिन यहां पर नहीं दिखाई दी क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे थे, बैरियर के तरीके से काम कर रहे थे और जिससे कि यहां पर किसी भी तरीके के जीव की पहुंच नहीं बन पाई थी। तो यहां पर उन्होंने इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है, चूंकि यहां पर कोई जीव नहीं था तो इसलिए कोई नया जीव यहां पर नहीं बना। तो यहां अगर लुई पाश्चर की बात करें तो इसी सिद्धांत के बेस पर, लुई पाश्चर के सिद्धांत
जो था बड़ा प्रैक्टिकल था और इसको स्वीकारा भी गया, और इसीलिए लुई पाश्चर को कहा गया फादर ऑफ बायोजेनेसिस। तो नाम दिया गया उनको, यानी कि उनको टाइटल किया गया फादर ऑफ बायोजेनेसिस। फिर इसके बाद बात आगे बढ़ती है, उन्होंने क्या काम किया, जैसे अभी फ्लास्क को कई जगह तीन तीन प्रयोगों में दिखाते हैं, कई बार एक लंबा फ्लास्क दिखाते हैं, बड़ी सी ओपनिंग दिखाते हैं, और एक जगह ऐसा दिखाया गया है प्रयोग में कि रुई है लेकिन दूसरा फ्लास्क ऐसा शेप्ड है, किंतु यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो तो बनेंगी ही बनेंगी, यहाँ पर रुई नहीं रखी गई है, ओपन रखा गया है। तो रिजल्ट ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का जीव नहीं मिलता। फिर एक थ्योरी और आती है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, ये थ्योरी को किसी भी तरीके से आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं, और हर रिलीजन में एक आस्था है कि जैसी पृथ्वी है, जो ये लास्ट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं फिलहाल आज के सेशन में, जो लास्ट है, अभी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अभी उसे भी देखेंगे। तो ये थ्योरी ये कहती है कि आज जैसी पृथ्वी है, पृथ्वी हमेशा से ही ऐसी रही, पृथ्वी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे लोग आज हैं ऐसे ही थे, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जहां आस्था होती है वहां तर्क काम नहीं करते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से, जैसे अलग अलग धर्मों की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग पंथ की, अलग अलग तरीके से आस्था है, अलग अलग उनके ध्येय हैं, उनके पास उनके विचार हैं, तो ये एक पैरेलल थ्योरी चलती है जो कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कही जाती है। यानी कि अगर इसको हम नाम दे, विशिष्ट सृष्टिवाद कह सकते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, हमने एडम ईव के बारे में जाना है, तो अलग अलग तरीके से, मतलब ये थ्योरी जो कि आस्था से संबंधित थ्योरी है। एक टर्म की मैं बात कर रही थी, टर्म है SETI। देखिए SETI क्या है, एक चीज जो यहां पर ये समझिएगा, कॉस्मोजोन की बात है। देखिए हम आजकल के हम कहते हैं कि बाहर से, जैसे थ्योरी में हमने पढ़ा कि बाहर से कोई यूनिट आई जिसे स्पोर कहा गया, और उससे यहां क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। इस थ्योरी को पता है समझाने वालों के पास क्या तर्क है, इस थ्योरी के समझाने वालों के पास तर्क ये है कि जैसे UFO से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज कई बार मिलती रहती है, अब सच है या झूठ है ये तो ईश्वर जाने, या वही लोग जाने जिन्होंने UFO देखे हैं और नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ये जो UFO से रिलेटेड कहा जाता है कि जो UFO है यानी कि एलियंस हैं, उन एलियंस के ही माध्यम से क्या हुआ, यहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई। दूसरी चीज, एलियंस से आज भी संपर्क साधने की बात की जा रही है, अगर हम उस चीज को सत्य माने तो, कि UFO है यानी कि एलियंस हैं, उनसे संपर्क साधने की बात की जा रही है, कि वो उनसे संपर्क साधा जा रहा है, और जिससे पता चलेगा कि एक्चुअल में यहां पर ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का। इसी से रिलेटेड यहां पर क्या है, SETI है, यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। देखिए साइंटिस्ट किसी एक बात से संतुष्ट नहीं होते, ये हम जानते हैं कि उनकी संतुष्टि तभी होगी जब हर तरीके से वो चीज प्रमाणित हो जाए। तो SETI जो है, फुल फॉर्म इसका पूछा गया था इसलिए इसको ऐड करा है, SETI यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ठीक है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये थ्योरी क्या कहती है कि ग्रह बहुत सारे हैं, ठीक है, ये थ्योरी बताती है कि लगभग 10^19 ऐसे तारे हैं जो जिनके बहुत सारे ग्रह हैं, यानी कि जिनके बहुत सारे प्लैनेट हैं, उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी मात्र, अगर उसके बाद भी हम छोड़ दें तो 10^10 लगभग 10 जो ऐसे हैं वो ऐसे प्लेनेट बचते हैं, ऐसे बचने हैं जिनके अपने अपने क्या है, प्लेनेट है अलग अलग तरीके की, जिनकी परिस्थितियां हैं। तो जीवन की ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो 10^10 जो ये ग्रह हैं, जीवन की उत्पत्ति इनसे भी हुई हो सकती है, यानी कि लाइफ ओरिजिन इनसे हुआ हो सकता है। तो इसे बहुत सारे, ये जो हो सकता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस हो सकता है का ही उत्तर ढूंढने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये हो सकता है को ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट क्या है, बाहरी अंतरिक्ष से, यानी कि कॉस्मोजोन थ्योरी के अकॉर्डिंग बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की क्या स्थिति है, उसी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको खोजने में लगे हुए हैं।
तो ये जो काम किया जा रहा है यानी कि जिसके तहत ये काम हो रहा है वो क्या है, सेटी, यानी कि क्या कहा जाता है, उसको क्या नाम दिया गया है, सेटी, SETI, यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये तो फिलहाल थे कि जो स्टार्टिंग थ्योरीज हैं जो लाइफ ओरिजिन से रिलेटेड आई है। इसके बाद इम्पोर्टेंट थ्योरी और आती है जो कि मिलर की है, जो किस पर बेस्ड है, जैव रासायनिक विकास पर बेस्ड है, यानी कि बायोकेमिकल इवोल्यूशन पे बेस्ड है। तो इस थ्योरी को, जो मिलर थ्योरी है, उसको हम पढ़ेंगे, जो उसका एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी नहीं, उसका एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट को हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल ये वाले सेशन में आज हम इतनी ही बात करते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन बने हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और फादर ऑफ बायोजेनेसिस किसे कहते हैं, इसलिए इनको मैंने अलग से ऐड कर रखा था। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, और ये पूछा गया है पैनस्पर्मिया क्या है, ठीक है, और ये सेटी जो ऐड किया था, ये सेटी पूछा गया है। तो आज के इस छोटे से टॉपिक में ही लगभग 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल आज का सेशन इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे, क्योंकि मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, लाइफ का जो ओरिजिन है उसको कंटिन्यू करना है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, इन्फोनी कॉर्नर देखते रहें, और यदि जो प्रश्न इसमें बीच में वीडियो में पूछे गए हैं उनके उत्तर आप दें तो कमेंट बॉक्स में उनको जरूर आंसर करिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आप लगातार साथ बने रहेंगे, वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें शेयर करते रहेंगे। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।